क्रिसमस की ये शाम आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है, दूर हुआ गम का अंधेरा, फैला चारों ओर उजाला। प्यारे अंकल जोजो, इस साल मैं आपसे वो चीज मांग रही हूँ जिसे आज तक कभी नहीं मांगा। मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने कई सालों से देखा नहीं है और अंकल जोजो को खत लिख रही हो बेटा? जी। तुम ऐसी ऐसी चीजों के ख्वाब देखती हो मेरी, जिन्हें सिर्फ अंकल जोजो ही पूरा कर सकते हैं। इस बार मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को ला सकते हैं। देखो, अगर तुम चिमनी में लकड़ियाँ भर के रखोगी तो अंकल जोजो तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करेंगे। सच में? हाँ, और अब तुम उनसे जो चाहे मांग लो। मैं चाहती हूँ कि एंडी लौट आए। अंकल जोजो, मैं शायद आपसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ, मगर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगले 2 साल आपसे कोई तोहफा नहीं लूंगी। लौट आओ, लौट आओ मेरे यारा, करता हूँ इंतजार तेरा, बोलता हूँ तो मारते हैं, चुप रहता हूँ तब भी मारते हैं। प्यारा बच्चा, प्यारा एंडी फिर से फर्श सफाई के कामों में लगा हुआ है। तुम उस जंगल के बेतों की बातों को भूल क्यों नहीं जाते? ये एक बोर्डिंग स्कूल है बच्चे, ये कोई जू नहीं है। हाँ, मैं ये जानता हूँ सर। एंडी, तुम एक होशियार बच्चे हो, पर तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अजीब कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हो। पर कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें असली दुनिया में लाता हूँ। फिर से सब साफ करना पड़ेगा। प्यारी नन्नी मेरी, तुम्हारी मांगे पूरी करना अंकल जोजो के लिए आसान नहीं है। हे जादुई लकड़ियों, हे कभी न बुझने वाली अग्नि, सामने आओ और मुझे बताओ कि मेरे सारे सच्चे दोस्त इस वक्त क्या कर रहे हैं। बच्चे वाकई इतने कमाल के हैं कि कुछ अच्छे अच्छे तोहफों के हकदार बन गए। ऐसे जासूसी कर रहे हो? मैं यहाँ कोई जासूसी नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर किसी और के कमरे में घुसकर चीजों को उलट पुलट करने को क्या कहा जाता है? मैं यहाँ ये पता करने आया हूँ कि बच्चे तोहफों के हकदार हैं कि नहीं। तुम जासूसी कर रहे थे? जरूर यहीं पे कहीं होगा। आप हमेशा किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं बॉस।
कितना खूबसूरत जंगल है ये, है ना बॉस? खूबसूरत तो है, पर मुझे इस बात का बेहद दुख है कि यहाँ बहुत जल्द कुछ बदलाव आने वाला है। हम सही रास्ते से ही जा रहे हैं ना बॉस? ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बॉस? लिखा है पैरेनेस के बीचों बीच आपके सपनों का एक स्की रिजॉर्ट। बहुत कमाल का लिखा है, और ये तस्वीर भी शानदार है, देखिए। अंधे हो क्या? बुद्धू कहीं का। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो सैंडी। माफ कर दीजिए बॉस, मैं चाहता हूँ कि मैं वाकई आपके काम आऊँ। आप कहें तो मैं गांव भर में ये पोस्टर चिपका दूँ। अरे बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर गांव वालों को बिल्कुल नहीं बता सकते कि हम यहाँ पर इसकी रिसोर्ट बनाने के लिए आए हैं। यहाँ के लोग वाकई तरक्की के खिलाफ हैं। कितना मजा आ रहा है ना? समझ रहे हो ना? जी। चलो अब ये बताओ कि हम कौन है। हम लोग दरअसल हम लोग लकड़ियों के व्यापारी हैं, और यहाँ पे पेड़ खरीदने आए हैं क्योंकि यहाँ के पेड़ वाकई बहुत अच्छे हैं। दान दीजिए। क्रिसमस आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। इतनी जल्दी क्या है? बड़े कंजूस हो। आपका दिन शुभ हो हुजूर। खाने का समय। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ के मेयर साहब हैं। वो तो मैं ही हूँ, बस यहाँ के लोगों की मेहरबानी है भाई साहब। हुजूर, हम इंटरनेशनल लॉक्स नाम की टिम्बर कंपनी से आए हैं। मैं हूँ जॉस लॉरिला, और ये है सैंडी, मेरा असिस्टेंट। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, कहीं अकेले में चलकर बात करते हैं। यानी कि तुम सारा जंगल खरीदना चाहते हो? जी, दरअसल हमारा सिस्टम बहुत ही इकोलॉजिकल है, और हम जंगल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए टिम्बर निकालने में बहुत माहिर हैं। हाँ, मगर ये जंगल किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। सच पूछो तो ये जगह सबकी है, यहाँ के लोगों की है। देखिए मेयर साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि आप ही कोई रास्ता निकालें। अब मुझे याद आ रहा है कि इस जंगल पर यहाँ के हर एक आदमी का हक बनता है। अगर इस जंगल पर यहाँ के लोगों का हक है तो फिर जायज है मेरा भी हक है। सच कहा ना मैंने? हाँ, मैं भी तो बिल्कुल यही सोच रहा था। क्या तुम ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते? मगर बॉस। तो क्या सोचा आपने? मुझे गांव वालों से बात करनी होगी। बहुत खूब, लेकिन मैंने जो कहा है उसे भूलिएगा मत। वैसे तो मेरी याददाश्त जरा कमजोर है, पर याद रखने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल याद रखूंगा। अब बेचारे गांव वालों को अपने जंगल को भुला देना होगा। जैसे ही मेयर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा, जंगल का हर पेड़ कटके जमीन पर गिरा मिलेगा। ऐसी बकवास कहीं सुनी है तुमने? वो पेड़ काटना चाहते हैं, हमारे बच्चे अब कहाँ खेलेंगे हा? और जंगल के जानवर आखिर कहाँ जाएंगे? अपनी ये बकबक बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कुछ कर पाओगे या नहीं। बिल्कुल, कई सारे आइडियाज हैं दिमाग में, मगर उससे पहले बहुत से काम बाकी हैं।
क्रिसमस का त्योहार अब आने ही वाला है और तुम्हें तो पता ही है इस साल मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हाँ, तुम्हारा नन्हा दोस्त जो नहीं है। मेरी बात सुनो बरखुरदार, मैं गांव भर में घूम घूम कर ये तो नहीं कह सकता कि सुनिए मैं ही हूँ अंकल जोजो, कृपा करके जंगल को मत काटिए, इससे तो मेरा राज सभी को पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। अब तुम अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ये बताओ कि उस कोयले वाले के बेटे का नाम क्या था भला? एंडी। जब उसके दादाजी की मौत हो गई तो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया, पर वो अभी भी एक छोटा बच्चा ही है। चलो हमें अब लकड़ियां इकट्ठी करनी है। चलो अपने पोलियन। मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे नहीं लगता इस साल मैं। इस साल तुम्हें बुखार है, पिछले साल तुम्हें डिप्रेशन था। ना 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 ना, मुझे डिप्रेशन तो 2 साल पहले हुआ था, पिछले साल तो मेरे कान में दर्द था। तुम एक नंबर के आलसी हो। क्या मुझे इसे भी ऊपर कमरे में लेकर जाना है बॉस? आपका दिन शुभ मैडम। सुनो सैंडी, तुम्हें इसी वक्त जंगल में जाकर पेड़ों को सही ढंग से परखना है। पर मुझे वहाँ पर ढूंढना क्या होगा बॉस? अब ये कैसे बताऊं? तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो दिखने में बिल्कुल अजीब हो। पर दिखने में वो अजीब चीज दिखती कैसी है बॉस? अब जाओ सैंडी, उस अजीब चीज को लिए बगैर तुम वापस मत आना। मार्टिन, यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम अभी तक लिखा क्यों नहीं? मार्टिन, मजा आया ना? झगड़ो मत। तुम बड़ी प्यारी हो। बहुत हो गया। तुम दोनों एंगेज हो क्या? हाँ बिल्कुल। अब हम दोनों को तुम्हारे बारे में पहले से पता था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा चुप नहीं। हो जाओ। आवाज मत करो वरना वो सभी भाग जाएंगे। कौन सभी भाग जाएंगे? तुम्हें शायद नहीं पता हम यहाँ अकेले नहीं हैं। बच्चे से कैसे मदद मांग सकता हूं? तुम उस संजीव के साथ क्या करने वाले हो? हुँ।
लगता है मैं इस जंगल में खो गया हूँ। मैं नहीं और नमक हलाल गधे के साथ वो बूढ़ा ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं कोई मामूली गधा नहीं हूँ, लेकिन गधों के साथ भी इज्जत से पेश आना चाहिए, है कि नहीं? मुझे गाजर भी चाहिए, सिर्फ पानी नहीं। अब ये बात बूढ़े को कैसे बताऊं मैं? लगता है पानी साफ और ताजा है। हेलो दोस्त, कौन बोल रहा है? अगर तुम मर्द हो तो मेरे सामने आओ। एक मर्द? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कहाँ हो तुम? बाईं ओर देखो। नहीं 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 उतना नहीं, दाईं ओर देखो। यहाँ आओ और पास आओ, मेरे नजदीक आओ। बहुत मजा आया होगा ना दोस्त? बकवास बंद करो और बाहर आकर बात करो। देखा ना तुमने, किसी और के घर में घुसने पर तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है मेरे दोस्त। सारे लेटर्स। बहुत हो गया लफंगे, अब तुम्हारा खेल खत्म। उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो एक लेटर है। रुक जा चोर। मैं कहता हूँ रुक जाओ। चोर कहीं का? लगता है कि मेरे गले में मोच आई है। मैरी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। तुम्हें याद है हमारे पेड़ में हम कितने मजे किया करते थे? हाँ, काश कि हम साथ होते, मगर जब से मेरे दादाजी गुजरे हैं मैं यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। बेचारा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है ना? आ जाओ। मेरे साथ खेलोगे तुम? इधर आओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पर हो क्या रहा है? वो क्या है सर, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा और। क्या तुम जानवरों की तरह खड़े रहकर सोते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसे वक्त बत्ती बुझाकर सो जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। याद आया, तुम पहाड़ पर रहने वाले कोयले वाले के उल्लू हो ना? ठहर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ। कहीं ये सपना तो नहीं है? ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, ये कोई सपना नहीं है। मेरे दादाजी का खास दोस्त कोयले वाला जो पहाड़ों पे रहता है, तुम्हें उसी ने भेजा है? क्या कहा तुमने, जंगल के पेड़ काटना चाहते हैं? आओ मेरे प्यारे। आ, 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 आ,
अब मुझे तुम अपने उस कोयले वाले के पास लेकर चलो। वाह, ये ताजी हवा। हे, तुम कहाँ चल दिए? लगता है घर को देखकर वो भी मेरी तरह खुश हो गया है। अंधे हो गए हो, जो तुमने फेंका वो मेरे सर पर गिरा। इन जानवरों का बर्ताव समझ में नहीं आता। मुझे अकेला छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ गए। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? कहीं तुम मेरे बर्तन से पानी तो नहीं पी रहे थे? मेरे गले में मूंछ आई है। अब तुम्हारी गर्दन बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर एक आदमी आया था। एक आदमी? देखकर तो ऐसा लगता है ढेर सारे भालू घुस आए थे। जैसे ही आया सारे घर में उथल पुथल मचा कर फिर से यहाँ से भाग गया। क्या, कहीं वो मेरे खत तो लेकर नहीं चला गया? आपके खत? मुझे लगता है वो एक खत जरूर ले गया होगा, मगर मेरी लकड़ी? बेवकूफ, वो मेरी लकड़ी ले गया और तुम देखते रह गए। बिल्कुल, क्योंकि तुमने तो मुझे जंजीरों में बांध कर रखा है। अब हम सही वक्त पर तोहफे कैसे तैयार कर पाएंगे? अब क्या होगा, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचता होगा। कौन आ रहा है यहाँ? बताओ ना, कौन आ रहा है यहाँ? एंडी। हेलो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? दरअसल आपका उल्लू मुझे यहाँ तक ले आया, आप ही ने उसे भेजा था। मेरे उल्लू का दिमाग बहुत ही तेज है। मगर यहाँ किस लिए आए हो? पर इस वक्त तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। मैं दोबारा लौटकर उस जेल में नहीं जाना चाहता। जेल में? लेकिन गांव वालों ने तो तुम्हें वहाँ भेजा क्योंकि वो अच्छा स्कूल है। तो फिर गांव वाले ही रहे वहाँ। ये तो बहुत ही जिद्दी लड़का लगता है। जी क्या, एक बोलने वाला गधा। इसे और कोई काम नहीं आता है। जानते हो बच्चे, मैं तुम्हारे दादाजी को हर रोज बहुत याद करता हूँ। बहुत अच्छे आदमी थे और बेहतरीन कोयला भी बनाते थे। अगर आज वो होते तो किसी को भी पेड़ काटने नहीं देते। और हम भी ऐसा नहीं होने देंगे, हम जंगल से बहुत प्यार करते हैं। तुम बच्चे लोग तो प्यार करते हो, मगर गांव के बड़े लोग, उन्हें तो बस पैसों से मतलब है। एंडी, थोड़े से पैसों के लिए वो किसी को भी बेच सकते हैं। ये लोग ऐसे हैं, इनको चाहिए सिर्फ पैसे, सिर्फ पैसे। ना समझे हो तो समझाता हूँ। लोग यहाँ के ऐसे हैं, चाहिए जिन्हें सिर्फ पैसे हैं। पैसों के लिए जीते हैं, पैसों के लिए मर जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज जानते हैं। पैसे 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 पैसे। बड़ी हवेली, बड़ी गाड़ियाँ, सोने चांदी, हीरा मोती, चाहिए जो भी मिल जाएगा अगर तुम्हारे पास हो थोड़ा पैसे। पैसे से मिल जाए सब कुछ, नहीं मिलेगा प्यार। मगर कितना भी पैसा हो पर धनवान नहीं दिल, नेक नहीं घर। पैसे पैसे पैसे। फिर भी रोए हर कोई। पैसे पैसे पैसे। जीने में कर दिल ना हो तो जीना है बेकार, जान लो मेरे यार। पैसा ना हो तो भी रखो दिल में अपने आस, पैसा ना हो तो भी रखो दिल में अपने आस। बंदा वही नेक होता दिल है जिसके पास। हाँ भाई दिल है जिसके पास। बंदा वही नेक होता दिल है जिसके पास। फिर भी लोग क्यों मांगे पैसे 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 पैसे। बातें तुम सबकी सुनना पर करना अपने मन की, पैसों के पीछे मत जाना। वो हमारा क्रिसमस नहीं बिगाड़ सकते, वो हमारे जंगल को काट नहीं सकते, हम पर जुल्म नहीं ढा सकते। वो मेरे दादाजी की लालटेन है ना? तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि जब तुम्हें जरूरत हो तो तुम्हें दे दूँ। अब जब तुम्हें जरूरत होगी तो दे दूंगा। तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं,
हाँ जी। तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे देखकर कुछ याद आया क्या? दरअसल मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ और हम सब मिलकर हमारे जंगल को बचाने की कोई तरकीब सोचेंगे। एंडी, जानते हो हमारे घर में चोरी हुई है। किस चीज की चोरी हुई? उस चोर ने चुराई है वो लकड़ी। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? क्या तो उसमें क्या हुआ? वो लकड़ी क्रिसमस के लिए बहुत जरूरी थी। तुम्हें पता है क्रिसमस के वक्त चिमनी को लगातार जलते रहना होगा हमेशा। मगर जंगल में तो खूब सारी लकड़ियाँ मिलेंगी, आप कहें तो मैं लेकर आता हूँ। वो मामूली लकड़ी नहीं थी। अब जाओ तुम अपने दोस्तों से मिलकर आओ, कई सालों से तुम उनसे मिले नहीं हो। मेरा उल्लू तुम्हें रास्ता दिखा देगा। ऊपर वाला भला करे। क्या कह रहे थे तुम? वो लकड़ी क्रिसमस के लिए बहुत जरूरी है। हा? तो बताओ मैं क्या कहता उससे कि बच्चे मैं ही अंकल जोजो हूँ और उस लकड़ी के बिना मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे सकता। और वो बच्चा कह रहा था कि यहाँ पे कोई बदबू आ रही है। हाँ, तुम्हारे गोबर की। शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ। वो एक छोटा सा बच्चा है, नादान है वो। ये लो जिनी, ये वो दवा है जिसे खाकर तुम्हें नींद आ जाएगी। शुक्रिया बिट्टोरी, कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। तुम फिर से इस डायन से दवा ले रही हो? देखो कौन अपना मुंह फाड़ रहा है। जिसे बात करने का सलीका नहीं, वो दूसरों को कोस रही है। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जो शख्स इस वक्त मेरे बगल में खड़े हैं, इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनकी एक बड़ी कंपनी है लकड़ियों की। ये दरअसल हमारे जंगल को खरीदने का प्रस्ताव लेकर यहाँ पर आए हैं। ये हमारा जंगल खरीदना चाहता है। दोस्तों, दरअसल हम सिर्फ पुराने पेड़ों को ही काटते हैं, नए पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाते। हम पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं दोस्तों। और रही बात इस प्यारे से गांव के प्यारे गांव वालों की, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा जितने आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्या कहा? आप हमें पैसे देंगे? तो बताइए ना कहाँ साइन करना है। इस पर मैडम साइन कीजिए और लखपति बन जाइए। सोच समझ के कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं हटो। क्या फर्नांडो को इस सौदे के बारे में बताया? अगर वो यहाँ नहीं है तो ये उसकी गलती है। मैं तो साइन नहीं करने वाली। और मैं भी नहीं करूँगी। मैं आप सभी को याद दिला दूँ कि इस गांव को पैसों की सख्त जरूरत है। हमारे स्कूल के छत की मरम्मत जो करनी है। पर मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले गिरजाघर की मरम्मत करवानी होगी। और मैं भी दस्तखत करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे एक मोटर बाइक की जरूरत है। मेरी बात सुनिए, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने ये जंगल पैसे देकर नहीं खरीदा। हमारे पुरखे ये जंगल छोड़ गए थे और हमें ये जंगल हमारे बच्चों को देना होगा। आप लोग इसकी बातें मत सुनिए, ये तो बस एक बड़बोली डायन है। जो चाहे कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? गांव वालों ने फैसला कर लिया है। पांच ने हाँ कहा, दो लोगों ने ना कहा, बाकी आए नहीं, तो हमने जंगल बेच दिया है। चलो अच्छा हुआ। देखा ना, ऊपर वाले को भी ये सौदा पसंद नहीं। एंडी, मैरी, मैं तुमसे मिलने को बेचैन था। और मैं भी। पर इस वक्त तो तुम्हें अपने बोर्डिंग स्कूल में होना चाहिए था ना? जैसे ही मुझे हमारे जंगल के बारे में खबर मिली, मैं तो उसी वक्त वहाँ से भागकर आ गया। मगर क्या हुआ है हमारे जंगल को? जंगल को काटने वाले हैं। क्या जंगल को काटेंगे? जीनी, एंडी, मिस्टर फर्नांडो, क्या आपने सुना कि हमारे जंगल को बेच दिया गया है? इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचता, हमारे मेयर साहब ने फैसला सुना दिया था। क्या ये साफ सुथरे कपड़े मैरी के हैं? पापा। हेलो मैरी।
मार्टिन के पिताजी आज बाजार में मुझे मिले थे। वो कह रहे थे कि उनके बेटे के साथ तुम्हारी गहरी दोस्ती हो गई है। मैं बहुत खुश हूं मैरी। मार्टिन वाकई एक अच्छा लड़का है और वो एक होशियार स्टूडेंट भी है। उस एंडी की तरह बिल्कुल नहीं है। वैसे एंडी है तो प्यारा लड़का, पर तुम जैसी सुशील लड़की के सामने जरा जंगली लगता है। पापा। ओह हाँ, ये बात तुम्ही ने तो कही थी कि एंडी बिल्कुल जंगली लगता है। हाँ कहा था पर। तुमने कहा कि मैं जंगली लगता हूँ, अब देखो जंगली क्या कर सकता है। देखो तुम अपना मुंह बंद रखो, जरा अपना चीखना चिल्लाना बंद करो। नन्हे छिपकली, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। पिटोरी एक डायन, ये क्या बकवास है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी को काटती तो नहीं हूँ। माफ कर दो। जल्दी करो, मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? वो क्या है कि मैं जरा जल्दी में हूँ। उस बूढ़े के पास जाना है ना? हाँ मुझे पता है, वही खूसट बूढ़ा जो बहुत जिद्दी है, वही जिसकी सफेद दाढ़ी है, घटिया सी टोपी पहनता है और जिसके पास एक बेहद नालायक गधा है, वही ना। चलो मेरे साथ। लेकिन ये बताइए, आप उन्हें जिद्दी बूढ़ा क्यों कह रही हैं? वो ऐसा है, मुझे लगता है जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, हम सभी थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। पर तुम्हारे दादाजी ऐसे नहीं थे, वो बहुत नेक इंसान थे। तुम्हारे दादाजी वाकई बहुत अच्छे इंसान थे एंडी, लोगों की हमेशा मदद करते थे। वो देखो तुम्हें हाथ दिखा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता वो मेरे दादा हैं? क्या तुम उन्हें महसूस नहीं करते? गुड नाइट दादाजी। रही बात हमारे उस जंगल की, इस गांव के बड़े लोगों पर भरोसा मत करो, पैसों की चमक ने उन्हें अंधा बना दिया है। तुम जैसे मासूम बच्चे ही अब हमारे जंगल को बचा सकते हैं। इस गांव के लालची लोग बड़ी जल्दी मान गए हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे एक बार पढ़ना चाहिए। और ये जगह बहुत जल्द बन जाएगी ऐसी पायरेनीज का सबसे पहला और शानदार स्की रिजॉर्ट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बॉस? मुझे ये बताओ, ये क्या है? तुम मेरे लिए खाना लाए? नहीं मालिक, मुझे घटिया से घर में ये लेटर मिला है, देखिए। देखता हूँ क्या लिखा है। प्यारे अंकल जोजो, इस साल मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ब्ला 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 एंटी ब्ला ब्ला ब्ला। बाप रे, तुमने सचमुच मेरे लिए कमाल की चीज ढूंढ निकाली है। एक इसी बच्चे का क्रिसमस कार्ड है, इसे लेकर मैं क्या करूंगा? पर आप ही तो हमेशा कहते हैं कि हर एक कागजात बहुत जरूरी होता है, लेकिन सबसे पहले उसे पढ़ लेना जरूरी होता है। पर तुम तो एक अनपढ़ हो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब ये क्या चीज है? ये तो एक जादुई लकड़ी है बॉस, इस पर चाहे जितना पानी डालो ये बुझती नहीं है। हम इस जादुई लकड़ी से जो कहेंगे क्या ये कर पाएगी? वाकई ये तो बहुत अजीब लगती है। ये जादुई चीज है बॉस। हमें सचमुच एक खजाना मिल गया है सैंडी। ये बताओ कि ये लकड़ी तुम्हें कहाँ मिली?
मुझे ये पहाड़ियों पर एक खोए हुए घर में मिली थी बॉस। पहाड़ियों पर तो इंसान खोते हैं, बेवकूफ घर कैसे खो सकता है? वो घर खोया हुआ नहीं था बॉस, खोया हुआ तो मैं था। ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर तुम उस मशीन को हाथ लगाओगे तो खचाक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी सारी उंगलियां कट जाएंगी। तुम्हारा नाम क्या है प्यारे बच्चे? एंडी, नहीं, मेरा नाम मिकेल है। तो फूटो यहाँ से और अपने स्कूल जाओ। शैतान कहीं का। तो बच्चों, आप में से कौन बता सकता है कि दुनिया गोल क्यों है? पीछे दो बच्चों ने हाथ उठाया है तो पहले क्लास खत्म होने के बाद पहाड़ी के सुनसान घर में पहुंच जाना, सारे बच्चों को लेकर आना और शरारती मार्टिन को भी बुला लेना। चलो बताओ एंडी। दुनिया इसलिए गोल है क्योंकि वो पहले एक सेब हुआ करती थी और जब उसे ईव नाम की औरत ने काटा तो वो सेब जमीन पर कटकर गिर गया और धीरे धीरे वो दुनिया बन गया। तुम लोग इसे हाथ भी मत लगाना। मैंने मशीन को छू लिया। अब तुम क्या करोगे शैतान? देखो, मेरे पिताजी इस गांव के मेयर हैं। छोड़ो। तुमने बहुत देर कर दी एंडी, ये तय है कि मैरी अब उस मार्टिन को पसंद करती है। पता नहीं ये मैरी आपको कहाँ लेकर जाती है और कितना चलना पड़ेगा। तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो मैरी, बताओगी? मैरी, तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? तुम जानती हो ना, हम में से किसी ने खाना भी नहीं खाया। मुझे सब पता है। हाँ, सब पता है। एंडी, सब अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो एंडी? ये अपने बोर्डिंग स्कूल से भाग कर आया है, मगर वो लोग इसे जल्दी पकड़ लेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप चलो। अब बस भी करो ना। जैसा कि तुम सब जानते हो, गांव के बड़े लोगों ने ये फैसला किया है कि वो हमारे चुप रहोगे तुम? वो लोग हमारे जंगल को बेच देना चाहते हैं। मेरे पापा भी इसमें शामिल है। वो जंगल के पेड़ों को काट देंगे। क्या? घबराओ मत, वो हमारे पेड़ नहीं काटेंगे। पेड़ ही नहीं, पूरा जंगल काट देंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। एक आइडिया है, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मेरी बात सुनो, हम लोग उनके कटर को ही खराब कर देंगे, तब वो लोग पेड़ नहीं काट पाएंगे। पर वहाँ पहरेदार तो है। पहरेदार को मैं संभाल लूँगा। सब लोग खेल रहे हो? नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर चौक पर खड़े उस कटर को तोड़ दें। कोई बात नहीं दोस्तों, विटोरी भी हमारी दोस्त है। हिंसा की राह कभी अच्छी नहीं बन सकती बच्चों। अकल को हथियार बनाओगे तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हो तुम। इस ड्रिंक को पिलाकर हम पहरेदारों को बेहोश कर देंगे और फिर देखो, लकड़ी का कीड़ा। जानते हो ये कीड़ा जंगल का सबसे भूखा और पेटू कीड़ा है बच्चों। हे, जाओ वहाँ। Hmm.
आजा आजा। जल्दी दो, जल्दी करो। चलो। तो होश में आ रहा है। अब निकलो यहाँ से। मेरे प्यारे लकड़ी के कीड़ों, जल्दी सब कुछ खत्म कर दो। चलो सब लोग। काम हो गया, चलो अब निकलो। वाकई कमाल का था एंडी। नहीं, बिटोरी नहीं होती तो ये काम मुश्किल था। अब तुम दोनों कपल हो क्या? क्या? हम दोनों नहीं। चलो, हम लोगों ने सब कुछ छिपा दिया है एंडी। अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। ऐसे बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे ऐसे क्यों मार रहे हैं बॉस? बेवकूफ, जरा हमारी मशीन की हालत देखो। लगता है किसी ने पेंटिंग की है। पेंटिंग की है, इसे तबाह कर दिया है। वो चाहते हैं हम पेड़ ना काटें। अब हम उन सभी को चुन चुन कर काटेंगे। हम उनके घर बर्बाद कर देंगे। और तुम उन्हें ढूंढ निकालोगे जिन्होंने ये काम किया है। चलता हूँ मार्टिन, बाद में मिलते हैं लुइस। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी मशीन के साथ तोड़फोड़ किया गया है। और सुनो, किसी दुश्मन ने जानबूझकर हमारे कटर को तोड़ दिया है, ये साफ दिखता है। मगर मुझे तो लगता है कि आपने अपना ये कटर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा किया है, जो कि कानूनन एक गुनाह है। बॉस, पता चल गया ये किसने किया है। बॉस, ये उन शरारती बच्चों का काम है। बॉस, बच्चों का काम? लेकिन उकसाया उन्हें किसी बड़े ने होगा। जी हाँ, उसका नाम एंडी है। एंडी? ये तो नामुमकिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस एंडी को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। पर वो तो छोटा बच्चा है और अनाथ है, और इस वक्त तो वो बोर्डिंग स्कूल में है। एंडी, 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 सैंडी, मुझे जरा वो खत देना जो तुम कल लेकर आए थे। अंकल जोजो, मैं चाहती हूँ कि आप एंडी को लेकर आइए। लगता है किसी के तोहफे की इच्छा वक्त से पहले ही पूरी हो चुकी है। ऑफिसर, ये बताइए, मेरी नाम की बच्ची कहाँ रहती है? एंडी, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। तुम्हें खामोश रहना होगा, वरना हम तुम्हें... बेचारा अनाथ बच्चा, जरा मेरे पास आओ बच्चे। एंडी, संभल कर। नहीं, इसे छोड़ दो, नहीं। आज आपके गांव के बच्चों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। मगर वो तो सिर्फ नासमझ छोटे बच्चे हैं। वो देखिए, वही शैतान जिम्मेदार है मेरे करोड़ों के नुकसान का। देखो भाइयों, इस शैतान ने इस गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। गया। हमने इसे अनाथ समझकर इसकी मदद की, इसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा।
लेकिन ये शैतान शैतान ही रहा। सब लोग सुनिए, एंडी का कोई गुनाह नहीं है, ये सब गलती मेरी है। उस बुढ़िया को पकड़ कर लाओ। तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? वो छोटा बच्चा और उस छोटे बच्चे और उस बूढ़ी औरत को हमें इनका कहना है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये डायन है, ये बुढ़िया है, खतरनाक डायन है। इसकी बात मत सुनिए। ये बूढ़ी डायन गांव की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है। चला दो, मार दो इसे। मेरी सलाह ये है कि इस बूढ़ी डायन को इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया जाए। और रही बात इस नन्हे शैतान की, तो चूंकि हम उतने ही स्ट्रिक्ट लोग हैं जितने की दयालु हैं, इसकी सजा ये होगी कि इसे दोबारा उसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए जहां इसे अनुशासन का सबक सीखना होगा। यह आदमी बहुत खतरनाक है, सारे पेड़ काट देना चाहता है, ये चाहता है बच्चों को खेलने की जगह ना मिले, ये जंगल को तबाह। बड़ों की इज्जत करना तुम कब सीखोगे? संभल के बेटा, देखो अपना ख्याल रखना। ये क्या? मैं आपको आदेश देता हूँ कि जिस बच्चे को आपने बंदी बनाया है उसे इसी वक्त आजाद किया जाए। हुजूर, उसको आजाद कर दें? उस बच्चे और डायन ने मिलकर एक गैंग बनाई है और मेरे करोड़ों की मशीन को तबाह कर दिया है, उन दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। पहले तो आपने कहा था कि आपका सारा काम पर्यावरण को ध्यान में रखकर होता है, ऐसे में आपको ऐसे पेड़ काटने वाली मशीन की जरूरत क्या है? देखो, ये जंगल मेरा है, मैं चाहे पेड़ों को काटूं या छोड़ूं, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? अब सौदा हो गया तो हो गया। आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है मेयर साहब। मैं गवर्नर साहब को खत लिखकर उन्हें बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, इसके बारे में गवर्नर को जरूर बताना चाहिए। पता नहीं। ठहरिए, एक मिनट ठहर जाइए। हम बच्चों को सिर्फ एक रात के लिए सजा दिला रहे हैं ताकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो सके। अब मैं आपकी लाजमी आशंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। सैंडी लेकर आओ। एंडी, देखना एक दिन तुम खुद को खुशकिस्मत मानोगे कि तुम्हें ऐसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है। बच्चे, वो एक स्कूल है, मैं तो कहूँगा वो एक जेल है। बकवास मत करो एंटी, मुझे लगता है कि वहाँ के प्रिंसिपल इस बार तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये सामने सड़क पर कौन खड़ा है? यहाँ क्यों खड़ा है? हट जा सामने से। हे, यहाँ से। अरे तुम यहाँ से हटोगे या गाड़ी चला दूँ? हैंड ब्रेक निकाल दो। बेवकूफ कहीं के। हटो यहाँ से। बहुत भारी। एंडी, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? शुक्रिया मेरे दोस्त। कोई बात नहीं। प्यारे उल्लू, क्या बात है? अब ये देखिए तीसरी बार। ये लकड़ी भी उसी जंगल की है मेरे दोस्तों, जहाँ से आप लोग लकड़ी लाते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग भी मेरी तरह इस अनमोल खजाने के मालिक बन सकते हैं। तो जब आप सब लोग रईस बन जाएं, तो हम गरीबों को भूलिएगा मत। जानते हो, तुम पहले इंसान हो जो मेरे पीठ पर बैठा है और सोया भी है। दोस्तों, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे बताओ कोयले वाले अंकल तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? जंगल को बचाना भी तो बहुत जरूरी है ना? उस बूढ़े अंकल की फिक्र मत किया करो। देखो, कभी कभी वो जिद्दी और सख्त बन जाते हैं, मगर जाओ भी। Thank you.
एंडी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, पता चल गया कि लकड़ी किसने चुराई। अब जानते हैं, मुझे भी पता है, वो जंगल को तबाह करेंगे। विटोरियो और मेरे दोस्तों को जेल में डाला गया है और आपको पड़ी है सिर्फ अपनी लकड़ी की। पर देखो एंडी, बात मैं आपको अच्छा इंसान समझता था, मगर सच कहूँ तो आप एक बहुत ही जिद्दी और खुदगर्ज इंसान निकले। वो मेरे दादाजी की है, मुझे दे दीजिए। मैंने कहा मुझे दे दीजिए, दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। जानता हूँ, मैं जानता हूँ एंडी, मैं यकीनन एक जिद्दी और खुदगर्ज इंसान हूँ। तुमने ठीक कहा, पर मुझ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वक्त निकलता जा रहा है। फिक्र मत कीजिए, हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे। देखो एंडी, मेरे साथ एक सौदा करोगे? क्या सौदा करना है? तुम उस लकड़ी को ढूंढने में मेरी मदद करो और मैं जंगल को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सौदा पक्का। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इस वक्त मेरी एड़ी में काफी दर्द हो रहा है। कभी नहीं सुधरेगा ये। ये क्या हो रहा है घटिया उल्लू? तुम्हें तुम तो कमाल के हो मेरे दोस्त। मैं एंडी हूँ, सब लोग जल्दी निकलो। हेलो मैरी। जब वो मार्टिन मुझे मिलेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। शुक्रिया एंडी। मार्टिन ने हमारे बारे में नहीं बताया। अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम सबके बारे में शिकायत करने की बहुत जल्दी थी तुम्हें। मगर मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। तुम इसकी बात मानते क्यों नहीं एंडी? तुम तो हमेशा इसी की तरफदारी करती हो। क्योंकि ये भी मेरा दोस्त है तुम्हारी तरह। सिर्फ एक दोस्ती है ना? मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था, यकीन करो, नहीं कहा था। मैंने भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे मरना थोड़े ना है। मैंने तो अपने पिताजी को बता दिया था। तो क्या हुआ, तुम लोगों ने मुझसे कहा नहीं था कि ये एक सीक्रेट है? मुझे माफ कर दो मार्टिन। कोई बात नहीं दोस्त। अब हमें ये सोचना है कि हम जंगल को कैसे बचाएंगे। वो बॉस जल्द यहाँ आकर लकड़हारों को बुलाने की सोच रहा है। मैंने ये ड्राइंग बनाई है, शायद काम आ जाए। बहुत अच्छी है, इसकी मदद से हम उन्हें जंगल से दूर रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी, पहिए, कपड़े, रस्सी, हथौड़े और मैं अभी आता हूँ। कमाल है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ठहरो, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ दोस्त? सब चीजें कहाँ से लाए? जंगली होने के कई सारे फायदे भी होते हैं ना? तो दोस्तों, काम पर लग जाओ। लकड़हारे भाइयों, अब इस गांव का भविष्य सिर्फ आप लोगों के हाथों में है। मेरी बात सुनो सपोले कहीं के, मैंने अपनी जल्दी लकड़ी पर पानी फेंक कर देखा तो सिर्फ धुआं उठा और कुछ भी नहीं। मेरे घर में भी यही हुआ। ये आदमी तो झूठा लगता है। अगर आप लोग जंगल के सारे पेड़ आज ही काट डालेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप सबको दुगनी रकम दूंगा। ठीक है हुजूर।
गाँव वाले बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तुम जाकर हमारे कमरे को ताला लगा दो और इस बार आंखें खुली रखना। जवानों आगे बढ़ो, जंगल की ओर चलो। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि रात भर मैं सो नहीं पाया, करवटे बदलता रहा। मुझे भी अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, हम लोग लालची हो गए थे। क्या करें, मुझे तो उस बॉस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। हमारे बच्चों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। दरवाजा खोल दो बच्चों, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। जल्दी करो दोस्तों, अगले हमले के लिए हमें जल्दी ही तैयार होना है। ये तो नन्हे बच्चे हैं, जानते हैं। उस हवाई जहाज के पंख काट दो, इतना भी नहीं कर सकते हो बेवकूफों। बॉस, बॉस, वो बच्चे पता नहीं कैसे वहाँ से गायब हो गए। अभी तक तो वो गायब नहीं हुए हैं, और बहुत जल्दी वो जरूर हो जाएंगे। प्यारे उल्लू, और ये काम हमें अभी करना होगा। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? हाँ, एक बहुत ही जरूरी काम है मेरी, और वो काम मुझे अभी ही करना होगा। सुनो, जाना है कि नहीं? जल्दी आ जाऊंगा मेरी, तुम लोग यहाँ पे डटे रहो। वो कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। सब खड़े हो जाओ और जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमला शुरू करो। अरे बच्चे ठहर जाओ। हाँ।
हमारे बच्चे कहाँ गए? क्या हुआ? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? हमें जाकर मेयर साहब से जवाब मांगना पड़ेगा। मुझे तो बच्चों की बहुत हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बच्चे सही सलामत हो, बच्चे आखिर गए कहाँ? पता नहीं क्या होगा। ये सब क्या है? मिस्टर फर्नांडो के घर को ये लोग होटल बनाना चाहते हैं क्या? और वो जंगल में लोहे के बड़े खंबे क्यों लगा रहे हैं? ये तो स्की रिसोर्ट है। अब पता चला वो जंगल क्यों खरीदना चाहते हैं? पहले तो जंगल, उसके बाद सारा गांव। ये जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई बच्चों। ये सड़े हुए प्याज है जिनमें मैंने गधे का गोबर भर के तैयार किया है। चलो इससे हमला करते हैं। मेयर साहब से पूछते हैं। सुनिए मेयर साहब, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो आप बहुत पछताएंगे। रुक जाइए, आप जानते ही हैं मेरा बेटा भी उनके पास है। वो लकड़ी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नन्हे शैतान जरा बाहर तो आ जाओ। कुकू। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैं चलता हूँ। तुम ठीक तो हो एंडी? मिस्टर फर्नांडो, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आप अपने घर को एक होटल में बदलना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? पता नहीं गांव के लोगों को क्या है। ये उन बदमाशों की करतूत है। मिस्टर फर्नांडो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैरी और बाकी सारे बच्चे जंगल में लकड़हारों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। मेरी बच्ची और लड़ाई? मेरी बात सुनो मोटे, इसी वक्त बताओ कि जादुई लकड़ी कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता बच्चे, मुझे मत मारो। बॉस उसे अपने साथ ले गए हैं। कुछ नहीं बचा। प्यारे बच्चों, आप लोग यकीनन बहुत बहादुर हैं, पर अब वहाँ से नीचे आने का वक्त हो चुका है। तुम अपने चमचों को लेकर भाग जाओ। तुम चाहते हो हम नीचे आ जाए? तुम्हारे लिए नीचे कुछ भेज रहा हूँ। बहुत हंस रहे थे ना, और कोई जोक बचा है? ठहर जाओ पापा। अगर दोबारा पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी तो कुल्हाड़ी का अगला वार तुम पर होगा। आप जानते हैं ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे सब कुछ क्लियर है। मेयर साहब कहिए। हाँ जी, मैं कहता हूँ। सबक सिखाइए पापा। मैं खैर। एंडी, हमने इन्हें हरा दिया। छोड़ दो मुझे। मेरी,
जादुई लकड़ी को वो अपने साथ ले गया। तुम कहाँ जा रही हो प्यारी बच्ची? क्या वो लकड़ी इसी के अंदर है? अगर मैं जिंदा बच गया तो जरूर ले आऊंगा। एंडी, ये घटिया नन्हे शैतान हमेशा मेरा काम बिगाड़ते हैं। तुम्हें हराना कोई आसान काम नहीं है ना बच्चे, पर अब देखना। गुड बाय नन्हे शैतान। हट जाओ मेरे सामने से घटिया जानवर। ओए, हट जा, हट जा, हट जा। गधे को रास्ते से हटाने के लिए क्या कहना पड़ता है? भागो, हट जाओ बेवकूफ। अगली बार प्लीज कहना मत भूलना। बहुत अच्छे नेपो, चलो लकड़ी ढूंढे। उम्मीद है हमने बहुत देर नहीं की है। यहाँ दिखाई नहीं देती। बैंड बज गई। मुझे लकड़ी मिल गई। मजा आ गया। ये लो, अब इसे जल्दी पहुंचाने का काम तुम्हारा है नेपो। इतनी भी कर जल्दी है मेरे दोस्त। एंडी, एंडी, ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? तुम इस वक्त इस गांव के कानून के रखवाले मेयर के सामने एक मुजरिम की तरह पड़े हो। तुम जरा जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? क्या? एक तो इसे इतनी दूर से उठाकर ला रहा हूँ, मेरे दो चार दांत कहीं रास्ते में टूट कर गिर न गए हों। हमारा काम तो बन जाएगा नेपोलियन। Yeah.
सब लोगों के यहाँ आने से पहले ही हमने अपना काम पूरी तरह से खत्म कर लिया। अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साल वापस मेरे पीठ में बहुत दर्द होने वाला है? मुझे पता है बच्चों को तोहफे देना बहुत पसंद है तुम्हें। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए दोस्त। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। एंडी, तुम्हारे साथ एक बहुत जरूरी बात करने का वक्त आ चुका है। मैंने हमारे मेयर साहब से बात की है। मेरा मानना है कि बोर्डिंग स्कूल नहीं पापा। हमने फैसला कर लिया है बेटा, अब से तुम हमारी जीनी के साथ रहोगे। थैंक यू पापा। हाँ मेरे बच्चे, हमने इसी घर में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। आंटी जीनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दादाजी की लालटेन। आपका शुक्रिया अंकल जोजो। जल्दी करो नेपोलियन, सारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सैंडी, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जरा मेरी मदद कर दो। हुँ।